ये क्या? ये वातावरण तो गंड मूल की स्थिति का है, और वो भी अमावस की इस अशुभ घड़ी में। वर्षों पहले भी वातावरण में इसी प्रकार की उत्तेजना प्रकट हुई थी। निश्चय ये दानों का हर्षोल्लास है। अवश्य कोई दानव धरती पर प्रकट हुआ है। प्रभु, यह शुभ और मंगलकारी संकेत कैसे? कृपा करना प्रभु, जब भी वातावरण में इस प्रकार के संकेत प्रकट हुए हैं, अवश्य कोई ना कोई प्रलय आई। दानव शक्तियां मानवता की हानि का कारण बनी है। घटनाओं की आंधियों ने बड़े बड़े राज्यों का विनाश किया है। हे प्रभु, क्या विनाश होने वाला है? क्या घटना होने वाली है? महारानी बधाई हो, इस राज्य को युवराज और आपको बेटे की बधाई हो। आपने कुल दीपक को जन्म दिया है। चंचला, अभी जाकर महाराज को ये शुभ खबर दे दो कि भगवान ने उनकी सुन ली, उनको एक गौरवशाली पुत्र प्राप्त हुआ है। जो आ गया महारानी। जाओ। बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई। राजमहल में नन्हे राजकुमार की बधाई हो, बधाई हो। महाराज को बधाई हो। महाराज, ये दासी अत्यंत शुभ समाचार लेकर आई है। महारानी पद्मावती ने नन्हे राजकुमार को जन्म दिया है। क्या महारानी ने इस राज्य के उत्तराधिकारी को जन्म दिया है? इस शुभ समाचार के लिए आप राज खजाने से जो भार मांगेंगी आपको अदा किया जाएगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। और अब नन्हे राजकुमार को देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही हैं। सुना दीदी, महाराज ने क्या कहा? अरे अभी तो हमारे सौत की पुत्र की आंख भी ठीक से नहीं खुली, और महाराज ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। महाराज की प्रथम पत्नी मैं हूँ। अतः राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल मेरे पुत्र भानु प्रताप सिंह का ही है, बस। ए मेरे नन्हे राजकुमार, तुम वास्तव में अपने पिता के लिए बहुत भाग्यशाली हो। आज हम बहुत खुश हैं। कहाँ है हमारा राजकुमार? लाइए, इसे हमें दीजिए। इसे अपनी बाहों में लेने के लिए हम कब से तड़प रहे हैं। तो ये है अलकापुरी का भावी राजकुमार, हमारी आंखों की रोशनी। पद्मा, इस अनमोल रतन के बदले में राज खजाने का हर उपहार हम आप पर निछावर कर देना चाहते हैं। नहीं नहीं महाराज, मुझे हीरे मोतियों का उपहार नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके प्रेम का उपहार चाहिए। मेरे माथे का टीका यूं ही सजा रहे, मेरे लिए यही उपहार बहुत है। पद्मा, आपका प्रेम कितना निस्वार्थ है। आपने हमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, इसलिए हम आपको वचन देते हैं, हम आपके पुत्र को इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाएंगे। हम आज अभी इसी वक्त अपने राज्य के ज्योतिष पंडितों से कहेंगे वो हमारे बेटे की जन्म कुंडली बनाएं और कल सुबह हमारे राज दरबार में उपस्थित हो। अलकापुरी नरेश महाराजा प्रताप सिंह की जय हो। जय हो महाराज। ये बताते हुए मुझे गर्व प्रतीत हो रहा है कि नन्हे राजकुमार की जन्म कुंडली सर्वगुण संपन्न है। मकर राशि में सूर्य और 12वें स्थान में बृहस्पति, ये निसंदेह चक्रवर्ती सम्राट होने के लक्षण है। ऐसी शुभ घड़ी में पैदा होने वाला पुत्र अत्यंत बलवान
शूरवीर और विद्वान होता है जो अपने बल और बुद्धि से सारी दुनिया को अपने चरणों में झुका लेता है। महाराज, मैंने बड़े बड़े राजकुमार और युवराजों की जन्म कुंडलियां बनाई हैं, मगर ऐसी जन्म कुंडली मैंने आज तक नहीं देखी। युवराज केवल परम प्रतापी योद्धा ही नहीं, परम धर्मात्मा भी सिद्ध होंगे। धर्म और कर्म का ऐसा मिलाप है जन्म कुंडली में कि समस्त संसार दंग रह जाएगा। असत्य। आचार्य रुद्रनाथ, ये असत्य है, असंभव है। युवराज की कुंडली से इन बातों का कोई संबंध नहीं है। केवल राजन को प्रसन्न करने के लिए मन से बनाई गई काल्पनिक जन्म कुंडली है ये, क्योंकि इन सबको राजन का डर है, भय है। ये सत्य बोल ही नहीं सकते महाराज। सत्य तो ये है राजन कि ये बालक अति अशुभ घड़ी में पैदा हुआ है। अरिष्कारी लक्षण है इसकी कुंडली में। सारे अमंगल, सारे संकट ही नहीं, दानव शक्तियां भी है इसमें। जनजाति और राष्ट्र का विनाशक होगा ये, क्योंकि ये बालक अमावस की काली छाया से प्रभावित है। आचार्य रुद्रनाथ, राजन क्रोध में आने की आवश्यकता नहीं है, केवल सच सुनो। सच सच सदैव कड़वा होता है। मैं ये समाचार सुन के कि राजमहल में एक बालक ने जन्म लिया है, यहाँ आने पर विवश हो गया। राजन अपने इन ज्येष्ठ पंडितों के मुख से युवराज के शुभ लक्षणों को सुनकर जो आप इतने प्रसन्न हो रहे थे, वो युवराज महाविनाशक है। वो आपके और राज्य के संकटों का कारण बनेगा। इस बालक का जन्म उस अशुभ घड़ी में हुआ है जिसमें केवल दुष्ट आत्माएं जन्म लेती हैं। बस आचार्य रुद्रनाथ, बस। अब तुम हर सीमा लांघते जा रहे हो। शांति महाराज, शांति। पहले आप आचार्य महाराज की बात तो सुन लीजिए, सुन तो लीजिए ये कहना क्या चाहते हैं। महारानी, ये बालक किसका रूप है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यदि आपको मालूम होता तो इस शुभ अवसर की घड़ी पर आप इस तरह की अशुभ बातें नहीं करते। परिणाम क्या है जरा सोच लीजिए। परिणाम आप सोचिए राजन। अगर मेरी बात ना मानने की भूल आपने की, इसलिए मैं फिर आपको चेतावनी देता हूँ कि अपने इस पुत्र से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पालो। छुटकारा पालो? ये बालक कोई अनाथ आश्रम से नहीं लाया गया आचार्य महाराज, ये तो राजकुमार है। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य महाराज को सावधान करना है। इससे पूर्व ये बालक राजमहल का विनाश कर दे, इसे राजमहल से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन लेकिन ये कैसे संभव है? बालक का मोह मत करो बड़ी रानी, इस पुत्र को त्याग दो। यदि इस बालक को राज से निकाल दिया जाए तो इस पर छाई अनिष्टकारी शक्तियां भी राज से बाहर हो जाएंगी और ये राज दरबार और राष्ट्र विनाश से बच जाएगा। नहीं, ये अनर्थ हमसे नहीं होगा। मैं जानता हूँ राजन कि माता पिता के लिए बालक का त्याग करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है, किंतु इस बालक का त्याग करना भी अति आवश्यक है। राजन, मैं आपको किसी धर्म संकट में नहीं डालना चाहता, बल्कि आपको प्रमाण देने आया हूँ कि आपके पुत्र में दानव शक्तियों का निवास है। क्या प्रमाण है आपके पास? राजन, मैंने अभी तक आपके पुत्र का मुख तक नहीं देखा, किंतु मैं बता सकता हूँ कि उसके शीश पर एक गुणा का चिन्ह है। और ये शास्त्रों में असुरी चिन्ह कहलाता है। आचार्य महाराज, इसके सिर पे तो वैसे ही निशान है। अब तो विश्वास हो गया राजन कि इस पुत्र का जन्म केवल आपके विनाश के लिए हुआ है। किंतु आचार्य महाराज, इस संकट से बचने का कोई तो उपाय होगा। हाँ बड़ी रानी, उपाय है। क्या उपाय है आचार्य महाराज? इस बालक का वध। हाँ? इसकी हत्या। नहीं, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं।
ये नहीं हो सकता, नहीं 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 नहीं, मैं अपने पुत्र का वध स्वीकार नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं। मेरी बात मान लीजिए राजन, देर करना आपके और राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा। और एक विशेष बात। क्या आचार्य महाराज? विशेष बात यह है महारानी कि जैसे ही आपका पुत्र 3 वर्ष का होगा, यदि उस वक्त इस बालक की दृष्टि आप पर पड़ी तो आप अंधे हो जाएंगे राजन, अंधे हो जाएंगे। फिर दुनिया की कोई शक्ति आपको ठीक नहीं कर पाएगी और आपके दुर्दिन आरंभ हो जाएंगे। ये घोषणा मेरी नहीं, शास्त्रों में लिखी है, जो सदा अटल है, जिसे कोई नहीं काट सकता। अब स्वीकार करना या ना करना आपके ऊपर निर्भर है। महाराज, हमें आचार्य की बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हमें आचार्य की बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई चारा भी तो नहीं महाराज। राय, आपकी राय क्या है वो बताइए। महाराज, प्रश्न राज्य का है, मानव जाति के विनाश का है। यदि आपके पुत्र के कारण आपका राज्य संकट में पड़ जाए, आपकी प्रजा का जीवन संकट में पड़ जाए, तो आप ही बताइए महाराज क्या योजित होगा। नहीं महाराज, नहीं महाराज, मैं मानता हूं कि संतान भले कैसी भी क्यों ना हो, हर पिता को अपनी जान से ज्यादा प्रिय होती है। मगर महाराज, आपको यह याद रखना है कि आपकी असल संतान है आपकी प्रजा, और आप एक संतान के लिए अपनी लाखों संतानों की आहुति नहीं दे सकते महाराज। इतिहास गवाह इस बात का, इतिहास सबूत देता इस बात का कि जब कभी भी किसी राजा को अपनी प्रजा के लिए, अपने राज्य के लिए अपने पुत्र की आहुति देनी पड़ी है, तो उसने अपने पुत्र की आहुति हंसते हुए मुस्कुराते हुए दी है। महाराज, आप अपने इस पुत्र की आहुति पाप समझकर नहीं, पुण्य समझकर दीजिए। सेनापति, आपने हमारी आंखें खोली, अब पाप नहीं पुण्य समझकर हम अपने बेटे को अपने राजमहल से फिदा करेंगे, और ये कार्य आपको सौंपते हैं। जो आज्ञा महाराज। कल सूरज की पहली किरण के साथ हमारे राज्य की सरहद के पार ले जाया जाए। नहीं, नहीं, ये नहीं जाएगा। आप इस मासूम के साथ ऐसा नहीं कर सकते, इसे इतनी बड़ी सजा आप नहीं दे सकते। एक माँ को अपने बच्चे से अलग नहीं कर सकते। आप इतने निर्दयी, इतने पत्थर दिल कैसे हो गए? ऐसा मत कीजिए, मैं इसके बगैर नहीं जी सकती। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। राजकुमार जितना आपका पुत्र है उतना हमारा भी है। उसे इस महल से निकालते हुए, एक अनाथ की तरह छोड़ते हुए, उससे माता पिता का हर अधिकार छीनते हुए हमें ज्यादा तकलीफ हो रही है। आचार्य रुद्रनाथ की बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनकी बात को हमें स्वीकार करना ही होगा। हमें अपने राजकुमार को इस महल से निकालना ही होगा। लेकिन मैं इसे कैसे स्वीकार कर लूं? आपने मुझे अपनी महारानी का दर्जा दिया, मान सम्मान दिया, वो अपार प्रेम दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन उसके बदले आप मुझसे इतनी बड़ी कीमत मांगेंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। हम जानते हैं पद्मा, जो अपराध हम करने जा रहे हैं उसके लिए आप अपनी सारी जिंदगी हमें क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन फिर बात राजगुरु आचार्य रुद्रनाथ की, उन्होंने जो कहा है वो ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर कहा है। पद्मा, तुम जानती हो आचार्य रुद्रनाथ की भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं हुई है।
इसलिए हमें अपने पुत्र का त्याग करना ही होगा। क्या यह आपका आखिरी फैसला है? फैसला नहीं, मजबूरी है। हम राजा हैं, अपनी प्रजा के लिए हमारे कुछ कर्तव्य है पद्मा। हमें यह डर नहीं कि हम अंधे हो जाएंगे अपने बेटे के खातिर, लेकिन फिर हम अपनी प्रजा का विनाश नहीं चाहते। ठीक है, आप इसे छोड़ना चाहते हैं, खुशी खुशी छोड़ दीजिए, मगर मैं इसे नहीं छोड़ सकती महाराज। ये बच्चा मेरे जीवन की सारी पूंजी है, इसे मैं नहीं खो सकती। ये जैसा भी है, अभिशाप भी है, अशुभ है, लेकिन है तो मेरा ही बेटा। ये अगर इस महल से निकला तो इसके साथ साथ मैं भी जाऊंगी। ये निर्णय कैसा? पद्मा, तुम हमें छोड़ दोगी? तुम जानती हो हम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते, बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे। आप मेरे बगैर नहीं जी सकते, और आपको इस एक दिन के बच्चे की बिल्कुल चिंता नहीं है कि ये अपनी माँ के बगैर कैसे जिएगा? इसको कौन कौन थप्पड़ देकर सुलाएगा? ये जब ये भूख के लिए तड़पेगा तो इसे दूध कौन पिलाएगा? नहीं पद्मा, तुम हमारा राजमहल छोड़कर नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी तुम। नहीं महाराज, मेरा बेटा इस महल से निकाला जाए और मैं यहाँ खुशी खुशी रहूं, ये मुमकिन नहीं। इसके साथ मैं जरूर जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी, जरूर जाऊंगी मैं। सुजान सिंह, क्या बात है? इस समय आने का कोई विशेष कारण? अत्यंत विशेष कारण है महाराज, अत्यंत विशेष, अन्यथा इस समय आपके विश्राम में बाधा डालने नहीं आता। सब कुशल तो है? नहीं महाराज, नहीं, कुछ भी कुशल नहीं है। आपकी बहन? क्या हुआ हमारी बहन को? आपकी बहन महारानी पद्मावती की जान खतरे में है। सुजान सिंह, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? क्षमा चाहता हूँ महाराज, किंतु मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लेकिन क्यों, क्या कारण है? कारण है उनका पुत्र महाराज। पुत्र? हाँ महाराज, पद्मा ने पुत्र को जन्म दिया और हमें सूचना भी नहीं। कैसे होती महाराज, पुत्र के जन्म लेते ही तो राजमहल में प्रलय आ गई। प्रलय आ गई? वो कैसे? आचार्य रुद्रनाथ की भविष्यवाणी से। क्या भविष्यवाणी की है रुद्रनाथ ने? युवराज के जन्म लेने पर आचार्य रुद्रनाथ ने कहा कि वो बालक महाराज के लिए अशुभ और अमंगलकारी है, वो बालक महाराज के लिए विनाश का कारण है, उस बालक से पूरे राज्य में संकट आ जाएगा। और तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा। बोलो उन्होंने क्या कहा? और उन्होंने बताया कि उस बालक में दानवीर शक्तियों का वास है, अमावस की काली छाया का शाप है उस पर। दानवीर शक्तियों का वास, अमावस की काली छाया का शाप है? हाँ महाराज, और इतना सुनते ही महाराज ने युवराज को महल से निकालने का निर्णय ले लिया। महाराज, युवराज और महारानी को बचा लीजिए महाराज, उन्हें बचा लीजिए। जब महाराज ने उन्हें निकालने का निर्णय ले ही लिया है तो फिर उन्हें मारने का साहस कौन कर सकता है? जाकर बग्घी तैयार करो। जो आज्ञा। Oh.
संभवतः ये हमारी अंतिम मुलाकात है। इसके बाद शायद हम कभी न मिल सके। कहां जाऊंगी ये मुझे भी नहीं पता। फिर भी जाने से पहले आज्ञा चाहती हूं, अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा? क्या क्षमा करें आप, हम तो खुद न्याय के कटघरे में खड़े हैं, फैसला नहीं कर पा रहे। हमने जो किया है वो इंसाफ है या अपराध? नहीं अलकापुरी नरेश, आपसे क्या अपराध हो सकता है? सिंहासन पर बैठने वाले का अपराध भी इंसाफ ही होता है। मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा है। जाने से पहले केवल एक अधिकार मांगना चाहती हूँ, उम्मीद है निराश नहीं करेंगे। अधिकार? क्या अधिकार दे सकते हैं आपको? निर्णय आपका था पद्मा, कहिए क्या मांगना चाहती हैं आप? आज के बाद मेरा बेटा कभी भी आपको पिता कहकर नहीं बुलाएगा। मैं उसे कभी भी ये नहीं बताऊंगी कि उसके पिता एक बड़े से साम्राज्य के महाराजा हैं। नहीं पद्मा, नहीं, ऐसा मत कहो। हमसे हमारे प्राण मांग लो, हम त्यागने के लिए तैयार हैं, अपने शरीर का सारा खून बहाने के लिए तैयार हैं। सारे संबंध तो तोड़कर जा रहे, अब कम से कम एक बाप और बेटे के रिश्ते को तो अलग मत करो। अलग करना मेरी मजबूरी है, वरना आप जिंदगी भर मेरे और मेरे बेटे के लिए आंसू बहाते रहेंगे। और उस वक्त हमारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। सच तो यह है, हम नहीं चाहते आप राजमहल छोड़कर जाएं, मगर इस वक्त हम यहां एक बाप की नहीं, एक राजा की हैसियत से खड़े हैं, और अपनी प्रजा के साथ इंसाफ करना हमारा कर्तव्य है। आज मुझे अपने राजा पर गर्व है। आपने वही किया जो आपका कर्तव्य था, मैं वही करने जा रही हूं जो एक मां का कर्तव्य है। ठहरो पद्मा, पद्मा, एक बार अपने बेटे को सीने से लगाने का अधिकार दे दो। Thank you.
महारानी, हमारी सीमा यहाँ समाप्त होती है और आपकी सीमा यहाँ से शुरू होती है। हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। इसमें आभारी की क्या बात है महारानी, ये तो हमारा प्रथम कर्तव्य था। महामंत्री ने मुझे आदेश दिया था कि आपको पूर्ण मान सम्मान और सुरक्षा के साथ राज्य की सीमा तक छोड़ दिया जाए। अब बहुत अफसोस की बात है महारानी कि मैं आपका साथ आगे तक नहीं दे सकता। अब आपको यहां से अकेले ही जाना पड़ेगा। मुझे आपका राज दरबार छोड़कर जाना अत्यंत दुखी कर रहा है। आप इस बच्चे के लिए अपना राज दरबार क्यों छोड़ रही हैं? ये मेरी मजबूरी है कुंवर, लेकिन तुमने मेरे दुख को समझा, मुझे अच्छा लगा। किंतु मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको यहां से किस तरह जीवित भेजो। नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो कुंवर? मेरे इस सौतेले भाई ने मुझे तुम्हारा शत्रु बना दिया। नहीं कुंवर नहीं, एक भाई दूसरे भाई का शत्रु कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब तुम मेरा राज सिंहासन का अधिकार छीनकर अपने इस बेटे को अधिपति बनाने का सपना देख सकती हो तो ये कुंवर तुम्हारा शत्रु ही होगा ना? नहीं कुंवर, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरा बेटा राजमहल का अधिकारी बने। अगर कोई भी लालच होता तो मैं यूं जंगलों में भटकती नहीं अपने बेटे को सीने से लगाकर। मैं राजमहल कभी नहीं छोड़ती। कुंवर, राज सिंहासन के पहले उत्तराधिकारी तुम हो। राजपाट सब तुम्हें मिले कुंवर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल अपना बेटा चाहिए बस। नहीं, तुमने सुना नहीं कि पंडित रुद्रनाथ ने भरी सभा में क्या कहा? इस बालक को नष्ट कर दो। नहीं कुंवर नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये मासूम है, निर्दोष है। एक भाई दूसरे भाई का कत्ल करेगा? हाँ। नहीं, नीचे नहीं, नहीं, नहीं,
अंतिम बार देखने से। नहीं, 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 ये मेरा राज्य छीनेगा। पद्मा, बाबा, हा? बाबा पद्मा को होश क्यों नहीं आ रहा? इसे होश में लाइए बाबा, इसे होश में लाइए। धीरज रखो वीर सैन, धीरज रखो। मैं जो भी प्रयास कर रहा हूं सब असफल हो रहा है, किंतु इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि महारानी को होश अवश्य आएगा। चेतन बूटी मिल जाती तो आ, इ, इ, या ये रही। अब इसी का सहारा लेना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सैन, महारानी को होश आ गया। पद्मा, मेरी बहन, होश आ गया। पद्मा, तुम बिल्कुल ठीक हो, सुरक्षित हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, भगवान ने तुम्हें बचा लिया, तुम पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर वापस आ गई हो। तुम्हारे दुश्मनों की चाल नाकाम हो गई पद्मा, नाकाम हो गई। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, हाँ, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? हत्यारे ने मार डाला। नहीं पद्मा, मेरा बच्चा, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो देखो ना, देखो देखो, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ पद्मा, इसे कुछ नहीं हुआ। पद्मा, रुद्रनाथ तुम पर इस्तेमाल किया गया सिर्फ एक मोहरा है, तुम्हारे साथ षड्यंत्र किया गया है, षड्यंत्र। नहीं, मैं नहीं विश्वास कर सकती, महाराज के प्रेम को मैंने परखा है, वो मेरे साथ षड्यंत्र नहीं कर सकते।
षड्यंत्र महाराज ने नहीं, उन दो रानियों ने किया है, ताकि तुम्हारा बेटा उत्तराधिकारी न बन सके। मुझे तो लगता है उन्होंने अपना षड्यंत्र कामयाब करने में रुद्रनाथ का सहारा लिया है, ताकि महाराज उनकी जबान की काट से बुरी तरह घायल हो जाएं, विवश हो जाएं, और आज तुम्हें अपने रास्ते से हटाकर वो दोनों अपने लक्ष्य में सफल हो गए। पद्मा, नहीं भैया, मैं रुद्रनाथ को जानती हूँ। वो किसी की बहकावे में आकर किसी का जीवन नष्ट नहीं करेंगे। उन्होंने जो भविष्यवाणी की है उसमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। कौन सी सच्चाई पद्मा? कैसी सच्चाई? एक मन घड़ंत भविष्यवाणी के अतिरिक्त कुछ नहीं है ये। नहीं भैया, मैं स्वयं उस समय हैरान हो गई थी जब उन्होंने कहा कि इसके सिर पर अमावस की छाया का निशान है। निशान है तो क्या हुआ? मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। भले ही मेरी बहन के पुत्र अमावस की काली छाया के बादल बन गया, लेकिन मैं रुद्रनाथ की इस भविष्यवाणी को झूठा साबित करके ही रहूंगा। मैं अपनी बहन को वचन देता हूं, इसके जीवन से काले साए हटाकर इसकी जिंदगी को उजालों से भर दूंगा। ऐसी चमक, ऐसी रोशनी दूंगा इसे कि महाराज की आंखें भी चकाचौंध रह जाएंगी। पर इसके बाजुओं में इतनी शक्ति भर दूंगा कि यह अपना अधिकार स्वयं हासिल करेगा। सुंदर वन का ये नन्हा राजकुमार आज से वनराज के नाम से जाना जाएगा। Thank you.
बाबा, वो तो है बाबा की।